प्यारे बच्चों, आज मुझे बहुत खुशी हुई। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, जो बच्चे नीट में अपियर होने जा रहे हैं आगे। अब ये देखना है कि इसको कब से लागू करते हैं, लेकिन 2022 से हमें ऐसा लगता है कि लागू होना चाहिए। ये न्यूज है बच्चों, 3 फरवरी की 2022, और हमें लगता है अंकित सर ये ऑफिशियल न्यूज है एनएमसी की वेबसाइट। जी सर, एनएमसी के ऑफिशियल, ठीक है ना। यहां पर बच्चों देख सकते हो लिखा ऑफिस मेमोरेंडम। जरा अंकित सर बता दीजिए क्या लिखा हुआ न्यूज में। सर यहां पर मेन पैरा है जो उसमें लिखा हुआ है, आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस इट हैड बीन डिसाइडेड दैट द फी ऑफ द 50% सीट्स इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज शुड बी एट पार विद द फी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। वाह, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट थी उसमें 50% सीट पे वही रूल लागू होगा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लागू होता है। मतलब फीस भी वही होगी, फीस भी वही होगी। तो बहुत सारे बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इसलिए नहीं जा पाते थे क्योंकि वहां फीस बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन सरकार का ये बहुत अच्छा कदम है कि जो बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं अफोर्ड कर सकते थे, जिनके पास पैसे की कमी होती थी, अब वो उसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस में प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं। तो इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई, बिल्कुल, क्योंकि फीस तो उतनी जमा करनी है उनको, और हमें लगता है प्राइवेट कॉलेज में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल सर। तो अब हम लोग जरा सा देख लेते हैं अंकित सर, टोटल कितनी सीट्स हैं, कितने सीट का फायदा होगा। तो अंकित सर जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि कितनी सीट्स हैं प्राइवेट की। सर प्राइवेट कॉलेज में सीट्स थी 43,815, ये थी, और हो सकता है कि आगे और बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और डीम्ड सीट्स कितनी है? 8787। इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों सीट को जोड़ दें, इनकी 50% सीट करीब करीब इनडायरेक्टली और बढ़ गई। इनडायरेक्टली, बिल्कुल सर, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, लेकिन फीस देंगे वो गवर्नमेंट की सर। और ये और अच्छी बात है जी, अच्छी बात इसलिए कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर मिल जाता है। जी जी। तो अंकित सर जरा ये बताइए कैलकुलेट करके कि टोटल कितनी सीट का फायदा हो गया अगर इनको जोड़ दें। सर ये 43,008 करीब 51,000 हो रहा है, तो हाँ, इसका 50% अगर आप मोटा मोटा निकालें तो 25,000 समथिंग आएगा। 25,000 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा जी ना? सर 25,000 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि 25,000 के करीब बच्चे गवर्नमेंट की फीस पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। हाँ। अगर नोटिस में जो दिया वो इंप्लीमेंट हो जाता है, और इंप्लीमेंट होना ही है। और आपकी एक बात और है, ऐसा तब है जब नए कॉलेज एड ना हो। तो इसका मतलब अब जो गवर्नमेंट सीट होगी जी, ये इतनी सीट कितनी दिया है, 44,555, और इसमें करीब करीब 25,000 सीटों का इजाफा और हो जाएगा। हाँ। जबकि नए कॉलेज न बढ़े। हाँ। तो ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हमें समझ में आ रही है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हें कॉलेज में जाना ही है, तो तुम समझ लो हमें तो लगता है बच्चों को अब कॉलेज में घुसाया जा रहा है। बिल्कुल, वेरी गुड। अब जरा यूपी का बता दीजिए अंकित सर। तो यूपी में गवर्नमेंट सीट इस बार जो काउंसलिंग हुई है, ये शायद हुई है 3234 सीट पे हुई है, राइट? हाँ, 3234 सर। और प्राइवेट सीट कितनी है? 4500। तो ये कितनी बढ़ जाएंगी? इसका 50% सर 2250। 2250, क्या बात है, 2250। तो 2250 अगर हम ये जोड़ दें तो टोटल कितनी सीट हो जाएगी? 5484। क्या बात है, 5484। इसका मतलब सरकार का प्रयास ये है कि नए गवर्नमेंट कॉलेज खोलकर और जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें बच्चों घुसा के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हमारी सरकार डॉक्टर बनाना चाहती है। बिल्कुल सर, और बनाए भी क्यों ना, इतने को इतना बड़ा कोरोना पेंडेमिक है ना, इंजीनियर तो उतने काम आ नहीं रहे, डॉक्टर ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत गुड न्यूज है, इससे बड़ी न्यूज कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल जोश में आ जाओ, उत्साह में आ जाओ और तैयारी शुरू कर दो। तैयारी करे ना करे सब भूल जाओ, जुट जाओ, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। तो एक बार अंकित सर हम और चाह रहे हैं कि टोटल कितनी सीट बढ़ गई सर, मोटा मोटा बता दीजिए। पूरे इंडिया की बात करें तो पहले सीट्स थी, गवर्नमेंट सीट्स थी 44,555, ठीक है, और इसके 50% पे लाभ मिलेगा, तो लाभ मिला करीब, मान लीजिए 44 का आधा करिए तो 25,000 करीब पर लाभ मिलेगा। 25,000, तो इस तरीके से अब 70,488 सीट्स फिल होंगी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पर। क्या बात है। और यूपी में कितनी बढ़ जाएंगी? 2250, और टोटल हो जाएगी 5484। बच्चा लोग और क्या चाहिए बाबू, तुम्हारा सपना सरकार करे पूरा और हम सब भी आपके साथ हैं। क्योंकि सर जी, सर बिल्कुल, थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। और हम लोगों ने ये प्रॉमिस किया था कि कोई भी अपडेट आएगी आपको तुरंत वीडियो बना के देंगे, चाहे जब वीडियो बनाना पड़े। तो बिल्कुल इस न्यूज को देखिए, प्रे करिए भगवान से इंप्लीमेंट हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि इंप्लीमेंट होने में कोई दिक्कत होगी, और तैयारी में जुट जाइए। ऑल द बेस्ट बच्चों,
जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।